हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपिंदर ठाकुर और आप देख रहे हैं कॉमिक्स को। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं गार्बेज बिन कॉमिक्स, जो कि फैज़ल मोहम्मद जी ने बनाई हैं और इसके हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों मंगवाए हैं। तो और दोनों को पढ़ने के बाद मैंने ये सोचा कि इसको किस तरह से रिव्यू किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा हमारी जो जनरल कॉमिक्स हम पढ़ते हैं इंडिया में उनसे थोड़ा डिफरेंट है। और इसके पीछे स्टोरी ये है कि फैज़ल मोहम्मद जी ने ये फेसबुक पे अपना गैग्स को शेयर करने से शुरू किया था, जिससे उनके बहुत सारे उन्हें बहुत सारी वाहवाही मिली और उन लाखों लोग उनको अब फॉलो करते हैं फेसबुक। गैग्स की पॉपुलैरिटी के बाद उन्होंने ये शायद डिसाइड किया फिर शायद कि जितने भी उनके गैग्स उन्होंने ऑनलाइन शेयर किए हैं उनको प्रिंट मीडिया में निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम 1 है और इसके अंदर का कंटेंट मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि आप वॉल्यूम 1 के अंदर किस तरह का कंटेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये इसका कवर है फैज़ल मोहम्मद जी के द्वारा और यहाँ पे भी लिखा है गार्बेज बिन वॉल्यूम 1। ये जैसे कि पहला गैग है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ या आप खुद भी देख सकते हैं, चलो लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। मैं आपको पहला गैग जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ। भाई नोएडा जाएगा क्या? गुड्डू कहता है, ऑटो वाला। हाँ जाऊँगा। तो जाना हरामखोर, यहाँ बैठा क्या उखाड़ रहा है। दैट्स इट, ये है इसका फर्स्ट गैग। तो इस तरह के इसमें बहुत छोटे छोटे गैग्स हैं जो आपको इन जनरल आप कनेक्ट करते हैं आपकी पुरानी यादों से, जिसमें आप इस तरह की हरकतें शायद करते होंगे किसी टाइम पे, और मैंने तो की है। और वैसे ही आगे एक 1-1 पेज के गैग्स हैं, जैसे ये है विद एक डम्बल डोर, तो आगे एक डम्बल है और एक डोर है। तो मुझे ये थोड़ा सा कुछ मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगे इस तरह के जो, लेकिन ये बहुत काफ़ी मोटी थिक बुक है। इसमें 142 पेजेस है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं पूरे की पूरे बुक में इसी तरह का ब्लैक एंड वाइट आर्ट है। तो लेकिन इसके अंदर काफ़ी अच्छे गैग्स भी हैं जो आपको सच में गुदगुदा देंगे। जिस तरह से जो मेरा फेवरेट जो इसमें है वो 69 पेज पे है, यहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली ये सारा। जब आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, दो मोहल्लों के बीच में कोई क्रिकेट मैच होता था, तो उस तरह का इसमें कॉन्वर्सेशन दिखा रखा है कि गुड्डू पूछ रहा है भाई लोगों इज्जत दांव पे लगी है, कुछ कर दिखाना है। तो ये सभी एक एक करके कहते हैं लैला फोड़ देंगे सालों की, फोड़ के रख देंगे, अबे हार ही नहीं सकते हम, मोहल्ले की इज्जत को आँच नहीं आने देंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे। तो इस तरह के इसमें कमेंट्स। और फिर उसके बाद नेक्स्ट गुड्डू पूछता है शाबाश मेरे शेरों, चलो 10-10 रुपये निकालो, बॉल और बाकी सामान लाना है। तो उसके बाद सबके रिप्लाई कैसे आते थे, तो यहाँ बहाना शुरू हो जाता था फिर, मेरा बैट नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा बैट है मैं नहीं दूंगा, ही उधार कर ले यार, 5 रुपए से काम नहीं चलेगा, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। तो इस तरह के यहाँ से गैग्स हैं, आपको थोड़ा एक स्वीट सी स्माइल आपके चेहरे पे आएगी कुछ चीज़ों में, आप सच में मतलब आप हंस ठाक के मार के भी हंस सकते हैं। तो मुझे तो ये वाला जो यहाँ से शुरू हुआ है 69 से, ये काफ़ी पेजेस तक गया है क्रिकेट के ग्राउंड के ऊपर जो जो होता था, तो ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि आप इस कॉमिक के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये है गुड्डू एंड गैंग गार्बेज बिन का वॉल्यूम 1। और जो अभी ये जो गार्बेज बिन वॉल्यूम 1 है, इसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया, ये शायद 2012 में पब्लिश हुआ था। यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन में जो है आलोक शर्मा जी ने भी कुछ, अनलाइक द गुड ओल्ड दूरदर्शन डेज नाउ इट्स प्रीटी इजी टू स्किप द सॉरी फॉर द इंटरप्शन प्ले कार्ड एंड हेड स्ट्रेट टू द रियल फन द रियल बुक गार्बेज बिन गुड्डू एंड गैंग। आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट गोइंग टू रीड दिस बिकॉज व्हेन इट कम्स टू गार्बेज बिन इवन आई वुड डू द सेम, स्किप द इंट्रोडक्शन टू टेक अ प्लंज इनटू द वर्ल्ड ऑफ गुड। तो आखिरी में आप एक गैग भी पढ़ सकते हैं, थैंक्स आलोक भाई, इतनी ज़्यादा तारीफ तो मेरी अम्मी ने नहीं करी आज तक मेरी, पैसे मिल गए थे ना। तो यहाँ पे आलोक जी का कार्टून बनाया हुआ जिसमें लिखा है इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए फैजल भाई, कुछ इज्जत है मेरी मार्केट में। तो ये आप अगर आप आलोक शर्मा जी को जानते हैं तो आप
ये कमेंट जो सॉरी ये इस यहाँ पे डायलॉग लिखा है, आप उसे पढ़ के सोच सकते हैं कि वो इसी तरह के कमेंट्स फेसबुक वगैरह पे भी अपने ग्रुप्स में डालते हैं। तो हाँ, तो ये है एक, आपको इससे आइडिया लग गया होगा वॉल्यूम वन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ अब कि आप ये गार्बेज बिल्कुल वॉल्यूम वन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। ये कॉमिक जो है वो comicsadda.com पर अवेलेबल, ये कॉमिक आई थी 2012 में। तो अब हम आपको दिखाते हैं ग्रेटेस्ट गार्बेज बिन कॉमिक्स का वॉल्यूम 2 जो आया है। ये काफ़ी एक आकर्षक पैकेजिंग में आया है और इसके साथ में आया है एक कैलेंडर। कैलेंडर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हर एक मंथ के कैलेंडर के साथ में एक छोटा गैग भी है। आपको एक गैग पढ़ के सुना देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर का गुड्डू, गुड्डू सुबह सुबह उठता है, नए साल का पहला दिन, हैप्पी न्यू ईयर पापा। हाँ हाँ ठीक है, चल जाके अपनी माँ से पूछ कि चाय बनी या नहीं। गुड्डू ओके, हैप्पी न्यू ईयर माँ, हैप्पी न्यू ईयर मेरा राजा बेटा, चल भाग के दूध लेके आ, चाय बनानी है। तो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं किस तरह के इसमें गैग्स हैं। फर्स्ट टाइम में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा ये, और ये बहुत ही स्वीट सा एक कैलेंडर भी है जिसमें आप इसको अपने टेबल पे रख के इन गैग्स को पढ़ सकते हैं। तो ये है इसका कैलेंडर जिसमें हर एक मंथ में एक नया गैग या फिर न्यू आर्ट है। और इसके अंदर ये है गार्बेज बिन कॉमिक्स का स्लिप केस बॉक्स। इसमें मुझे ये नहीं पता कि ये वॉल्यूम वन जो है ये क्यों लिखा है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर का कंटेंट जो है वो डिफरेंट है पहले वाली से। तो ये वॉल्यूम टू होना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये बॉक्स जो है वो एक्चुअली में मुझे टूटा हुआ मिला है, तो मैंने मोहम्मद फैजल जी को मैसेज कर दिया था, उन्होंने कहा था कि वो मुझे एक नया बॉक्स भेज देंगे। तो अंदर का कंटेंट देखते हैं। ये वॉल्यूम टू जो है इसके दो वर्जन्स अवेलेबल है। एक में आप मोहम्मद फैजल जी द्वारा अपने लिए एक आर्टवर्क बनवा सकते हैं, और एक में ये आर्टवर्क इंक्लूड नहीं होगा, और दोनों में शायद 200 या 250 रुपये का डिफरेंस है। आपको अंदर की कॉमिक्स दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के अंदर 5 कॉमिक्स हैं, और इस बार जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं कॉमिक्स की। अगर आप इसकी क्वालिटी देखेंगे कंटेंट की, वो बहुत इम्प्रूव हुई है। पेपर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और अंदर भी कंटेंट अब कलरफुल है। गैग्स भी अब सिर्फ एक पेज के या वन लाइनर टाइप नहीं है, अब इसमें हर एक में एक मेन स्टोरी होगी जिसका नाम जो टाइटल है बाहर लिखा है मदर्स डे का गिफ्ट, और फिर उस स्टोरी के साथ साथ में कुछ छोटी छोटी स्टोरीज भी होंगी जिसके लिए इनका सोशल मीडिया चैनल भी मशहूर है। तो ये इसमें छोटे छोटे गैग्स हैं, और हर एक कॉमिक में 32 पेजेस हैं। और इस कॉमिक का जो साइज़ है वो राज कॉमिक्स से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन चौड़ाई में थोड़ा कम है, और लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है, और ऑलमोस्ट हर एक कॉमिक जो है इसकी कोई भी ऐसी नहीं है कि आपको इम्प्रेस नहीं करेगी, सभी में काफ़ी अच्छे गैग्स हैं, और हर एक कॉमिक के साथ एक स्टिकर भी फ्री है। तो ये आपको मैं टाइटल पढ़ के बता देता हूँ, फादर डे का गिफ्ट, मदर्स डे का गिफ्ट, गुड्डू का अपहरण, गुड्डू का मुंडन, और कॉर्बेट का आदमखोर। तो ये 5 इश्यूज़ इसमें हैं, सभी के अंदर एक मेन स्टोरीज है और कुछ छोटी स्टोरीज हैं एक एक पेज की। और जो कॉर्बेट का आदमखोर है इसमें एक पूरे के पूरे अंदर एक ही स्टोरी है 32 पेजेस की, और जब वो ख़त्म होती है तो भी स्टोरी जो है वो नेक्स्ट इशू में अभी कंटिन्यू होनी है, जो अभी शायद नेक्स्ट वॉल्यूम में आएगा, आदमखोर शेर का इंतकाम। तो ये स्टोरी इनकम्प्लीट है 5th वाली। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे रिव्यू से आपको क्लियर हो गया होगा कि आप गार्बेज बिन कॉमिक्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको इन दोनों में से कौन सी कॉमिक मंगवानी है या दोनों कॉमिक्स मंगवानी है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। किसी तरह का और आपका कोई अगर इससे रिगार्डिंग कॉमिक से रिगार्डिंग आपके सवाल जवाब होंगे तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो वॉल्यूम 2 गार्बेज बिन वॉल्यूम 1 जो है वो तो comicsadda.com से आपको मिल जाएंगी, लेकिन
जो वॉल्यूम 2 है वो अभी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपको डायरेक्ट मोहम्मद फैज़ल जी को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और अगर मुझे परचेज़ लिंक अभी भी इसका अवेलेबल है तो मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको इस तरह का रिव्यू कैसा लगा, और आप इस तरह के रिव्यू आगे और भी देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।